हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट चटनी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ऐसा लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इसे आप आलू के पराठे के साथ खाओ, पकौड़े के साथ में खाओ, या फिर मतलब किसी भी चीज़ के साथ, दाल चावल के साथ में इवन बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही सिंपल सी है, ज़रूर से देखिए आगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ज़रूर से सब्सक्राइब करें। उसके बगल में ही बेल आइकन होगा, उसे भी ज़रूर से हिट करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आगे हम चटनी देखते हैं। और तो ये मैंने एक लिया है टमाटर, दो लहसुन की कलियाँ, एक मिर्च ली है, ये आप अपने खाने के अनुसार ले सकते हैं, ये धनिए की पत्ती, और ये मैंने आधा प्याज लिया है। इस सारे इंग्रेडिएंट को हमने इस मिक्सर जार में अच्छे तरीके से हमने पीस लेना है, राइट। उसके बाद हम इसे करेंगे, थोड़ा सा इसमें नमक डालना है और थोड़ा सा नमक डालना है और नींबू डालना है। हमने सारी चीज़ों को इसमें डाल लेना है और हमें ऐड कर देना है नींबू का रस, ठीक है। अब हमें इसे पीस लेंगे। हम इसे मिक्स कर लेंगे। गाइस, इस चटनी को आप ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। इसे बच्चे भी आराम से खा सकते हैं अगर आप उसमें मिर्च वगैरह नहीं डालेंगे तो। बाकी मैंने एक मिर्च इसलिए मैं डालती हूँ क्योंकि बच्चे खा लें और बिल्कुल भी इन्हें दिक्कत परेशानी ना हो। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अच्छे से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।